जो आज घटना हुई, एक भाजपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है, ये क्या कैसे है कुछ बताइए। बीती रात को 10:30 बजे की ये घटना है, जब हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनको गोली लगी है। तुरंत ही हॉस्पिटल में मैंने अपने ऑफिसर्स को भेजा, जहाँ पर डॉक्टर से बातचीत किया गया। उन्होंने बताया कि वो अभी खतरे से बाहर हैं। इस क्रम में पुलिस टीम लगी हुई है। जो व्यक्ति हैं, पीड़ित हैं, उनका नाम है अजय शर्मा, लगभग 35 साल की उनकी उम्र है। उनको 5 गोलियां लगी हैं कंधे पर और पेट में, और उनकी हालत खतरे से बाहर है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके पहले उनका भूमि को लेकर के, चूँकि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो भूमि को लेकर के उनका लोगों से विवाद है, ऐसा सामने आ रहा है। अन्य समस्त एंगल्स पर हम लोग अभी कार्रवाई करते हुए और इस पूरे मामले का जल्दी ही खुलासा करेंगे। जैसा कि सर वो बताया जा रहा है कि बोल चाल रहे हैं, क्या वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं या FIR दर्ज करा रहे हैं भी कि नहीं? अभी तक उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है जी। उन्होंने यही कहा कि वो लोग नकाबपोश थे, लेकिन तुरंत ही जल्दी हम लोग जानकारी लेकर के और इस पर कार्रवाई कराएंगे। इनके घर के लोग बता रहे हैं कि इनके परिवार से कुछ लोग आ रहे हैं, उनके आने के बाद ही ये लोग तहरीर देंगे। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कंप्लेंट मिलता है, केस रजिस्टर करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों की संख्या क्या थी? उन्होंने जो बताया है कि टोटल 3 लोग आए थे जो नकाबपोश थे। इसके बारे में अन्य जानकारी भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और कार्रवाई शीघ्र कराएंगे। ठीक, धन्यवाद सर।